Hello everyone, very good morning. I'm back with conditional sentences. As we started it yesterday, we are going to learn some new rules of conditional sentences. Let's get started. शुरुआत करते हैं. कल हमने conditional sentences के बारे में पढ़ना शुरू किया था और कुछ specific rules मैंने आपको conditional sentences के लिए बताए थे. अगर मान लीजिए मैंने जैसे आपको कल बताया था कि अगर एक से जुड़ा हुआ कॉल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो उससे नेक्स्ट जो भी सेंटेंस होगा उसके साथ मॉडल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. ठीक है, इज दैट क्लियर. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो सपोजिशनल सेंटेंसेस होते हैं जैसे इफ आई वर द किंग ऑफ इंडिया, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज इट इज, जैसे मैंने बताया था आपको, तो हम लोग जो मॉडल वर्ब होती है उनकी पास्ट फॉर्म यूज करते हैं. ठीक है, ये चीजें मैंने बताई थी. आज जो हमारा नेक्स्ट जो रूल है वो होगा कि अगर एक से जुड़ा हुआ क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो वो फिर क्या चेंज होगा. चलिए शुरुआत करते हैं इसी को लेकर के. मैं लिख देता हूं मैक्स इफ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस तो अगर इफ से जुड़ा हुआ जो क्लॉज है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो नेक्स्ट फिर क्या चेंज होंगे. ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर इफ से जुड़ा हुआ क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में होता था यानी सिंपल पास्ट टेंस होता था तो हम लोग जो मॉडल होती थी उसका सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म यूज करते थे, जैसे विल का वुड, सेल का शुड, मेक का माइट, इस तरीके से या कैन का वुड हम लोग यूज करते थे. लेकिन अगर ये हो गया पास्ट परफेक्ट, यानी पास्ट परफेक्ट से मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि इफ से जुड़ा हुआ टेंस अगर यहां पे हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड यूज हुआ है. पास्ट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा वो क्या होता है, हैड यूज होता है. यानी यहां पर अगर हैड यूज हुआ है तो फिर यहां क्या चेंज आएगा, तो यहां चेंज ये आएगा कि पास्ट फॉर्म ऑफ अ मॉडल विल यूज पास्ट फॉर्म ऑफ अ मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको हम लोग पार्टिसिपल भी बोलते हैं, वो यूज होगा. इसका मतलब समझ में आया आपको. यहां जो मैं आपको जो मैंने लिखा है, इस मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इफ से जुड़ा हुआ क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो उससे नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा, जो हमारी क्लॉज होगी, वहां पर मॉडल की पास्ट फॉर्म यूज होगी, उसके साथ हैव का यूज होगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं वो भी उसके साथ यूज होगा. एग्जांपल लेता हूं मैं, कैसे मैंने एग्जांपल लिखा, इफ आई है देखिए आप देख सकते हैं आई के साथ हेड का यूज हुआ है, यानी हेड यूज हुआ है तो हम कह सकते हैं कौन सा टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया. ठीक है, इफ आई हैड वर्क हार्ड, यदि मैंने कठिन परिश्रम किया होता, ठीक है, तो क्या होता, आई वुड, यानी पास्ट फॉर्म ऑफ मॉडल मैंने यूज किया आई वुड, उसके बाद मैं क्या यूज करूंगा हैड, फिर मैं क्या यूज करूंगा पास्ट, यानी पास्ट पार्टिसिपल यूज करूंगा मैं, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करूंगा, थर्ड फॉर्म यूज करूंगा, आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम. इस तरीके से ये बनेगा इसका स्ट्रक्चर. इज दैट क्लियर. यानी इफ से जुड़ा हुआ क्लॉज अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो नेक्स्ट जो भी सेंटेंस होगा क्लॉज होगा, यानी जहां जो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी या जहां जो भी मॉडल वर्ब यूज होगी उसकी पास्ट फॉर्म यूज करेंगे मॉडल की, उसके साथ हेल्प का भी यूज होगा और उसके बाद जो मेन वर्ब होगी उसकी हम लोग थर्ड फॉर्म यूज करेंगे जिसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं. ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स में लेता हूं. मैंने लिखा इफ आई हैड मच मनी, इफ आई हैड मच मनी, यदि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो क्या होता, आई would have bought many luxurious things. इसका मतलब क्या हुआ, if I had much money, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, काफी सारा पैसा होता, I would have
बहुत मेनी लग्जरियस थिंग्स, तो मैं बहुत सारी आलीशान चीजें, यानी लग्जरियस क्या होते हैं, जो विलासिता वाली चीजें होती है, जो जीवन को आनंदमय बनाती है, सुखमय बनाती है, सुखदायी बनाती है, उनको हम लोग लग्जरियस बोलते हैं, ठीक है, यानी आराम की आलीशान चीजें होती है। आई वुड हैव बोथ मेनी लग्जरियस थिंग्स, तो मैं बहुत सारी आलीशान चीजें खरीदता, ठीक है, इज दैट क्लियर। मान लीजिए अगर यहाँ मैंने बोथ की जगह बाय यूज किया होता तो ये क्या होता, इनकरेक्ट हमारा सेंटेंस, क्योंकि वुड हैव के बाद हमेशा हम लोग पास्ट पार्टिसिपल ही यूज करेंगे, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, हम लोग थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इस तरीके से आपको एरर्स मिलेंगे सेंटेंस में और हम उसको क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, इज दैट क्लियर। ये रहेगा हमारा सीन यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा रूल होगा वो क्या होगा, चलिए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कुछ चीजें जैसे प्री प्लांड होती है, यानी जो शेड्यूल्ड होता है चीजें, तो उनके लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं। मान लीजिए आपने बोला कि मैं आज रात मुंबई जाने वाला हूँ, तो उस पर्पज में ये जो नियरेस्ट फ्यूचर होता है, नियरेस्ट फ्यूचर से आप लोग समझते हैं निकट भविष्य होते हैं जिसको, से आज ही कुछ होने जा रहा है, ठीक है, लेकिन होगा कब, फ्यूचर में ही होने जा रहा है, इज दैट क्लियर। तो उसको बोलेंगे हम लोग नियरेस्ट फ्यूचर, जैसे मैं आज रात मुंबई जाने वाला हूँ, ठीक है, तो ये हो गया हमारा नियरेस्ट फ्यूचर। और बोल सकते हैं हम लोग जैसे कि जुलाई में स्कूल ओपन होने वाले हैं, ठीक है, यानी ये प्री प्लान या जो प्री प्लान चीजें होती हैं या शेड्यूल्ड प्रोग्राम होते हैं उनके लिए हम लोग हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पे फॉर प्री प्लान प्रोग्राम्स और प्री प्लान प्रोग्राम्स and for nearest future, यानी pre-planned programs और nearest future, इसके लिए भी हम लोग present simple जो present tense होता है हमारा उसका use कर सकते हैं। example लिखूंगा मैं कैसे, मैंने लिखा school reopens in July, यानी ये आपको पहले से ही पता है कि स्कूल दोबारा से कब खुलेंगे, जुलाई में खुलेंगे, तो ये क्या हो गया हमारा प्री प्लान प्रोग्राम हो गया, यानी एग्जैक्ट जो शेड्यूल हमारा जो पहले से ही बना हुआ है तो वो क्या हो गया हमारा प्री प्लान शेड्यूल हो गया। स्कूल रीओपन्स इन जुलाई, स्कूल कब खुलते हैं, जुलाई में खुलते हैं। एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज एंड इकोनॉमिक फोरम इन अक्टूबर, इकोनॉमिक फोरम से आप लोग समझ रहे हैं, यानी आर्थिक मंच, आर्थिक मंच का मतलब यानी जहां बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट आएंगे और वो लोग चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे कि इकोनॉमी को कैसे डेवलप किया जा सकता है, यानी बाहर से भी होंगे, देश के भी होंगे, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज एन इकोनॉमिक फोरम इन अक्टूबर, यानी भारत सरकार अक्टूबर के महीने में एक आर्थिक मंच क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, यानी संगठित करता है, मीटिंग को ही बुलाता है इस तरीके की। अब यहाँ देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया ये क्या हो गया, प्री प्लान प्रोग्राम हो गया एक तरीके से, यानी हमको पता है कि अक्टूबर में भारत में एक इकोनॉमिक फोरम क्या होने वाली है, मीटिंग होने वाली, यानी कॉन्फ्रेंस होने वाली एक तरीके से, सम्मेलन होने वाला है, तो उसके लिए ये क्या हो गया हमारा प्री प्लान प्रोग्राम हो गया, ठीक है, ये शेड्यूल्ड प्रोग्राम हो गए। तो हम किसका यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब आप देख सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट, ये क्या हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो इसके साथ यहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, ऑर्गेनाइजेस, क्योंकि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऐसे ईएस का यूज करते हैं, ठीक है, आपको पता होगा ये बात। तो इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेस एन इकोनॉमिक फोरम इन द अक्टूबर, ये मेरा पर्पस था आपको समझाने का कि जब भी आपको प्री प्लांड एक्टिविटीज मिलेंगी या प्री प्लांड प्रोग्राम्स होंगे, शेड्यूल्ड प्रोग्राम्स होंगे, तो वहां पर हम लोग हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या करेंगे, यूज करेंगे, और नियरेस्ट फ्यूचर के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब मैं नियरेस्ट फ्यूचर का मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे मैंने लिखा सी goes to Mumbai tonight.
नहीं जाती है, यानी आज रात कहाँ जाएगी वो, मुंबई जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नियरेस्ट फ्यूचर हो गया, हमको पता है कि आज ही रात को यानी वो कहाँ जाने वाली है, मुंबई जाने वाली है। तो इस कंडीशन में भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है, गोज। मैंने ऐसे भी लिखा कि सी विल गो टू मुंबई टुनाइट, सही तो ये भी है, लेकिन हम इसको भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर ये नियरेस्ट फ्यूचर वाले केस में हम लोग इस तरीके से भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सेकंड मैंने लिखा आई प्रिपेयर माय लेसन ऑन Mondays. I prepare my lesson on Monday. यानी मैं सोमवार वाले दिन अपना जो पाठ है वो क्या करता हूँ, तैयार करता हूँ। तो आपने देखा होगा मैंने I prepare यानी मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या किया है, यूज किया है। ये क्या हो गया, नियरेस्ट फ्यूचर हो गया, प्री प्लान चीज हो गई, यानी मंडे वाले ही दिन मैं क्या करता हूँ, अपना लेसन प्रिपेयर करता हूँ। सो अगर प्री प्लान प्रोग्राम्स और नियरेस्ट फ्यूचर कहीं भी यूज होगा तो इन दिस केस, इन दिस सेंस वी विल यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये एक कंडीशनल सेंटेंस हो गया, यानी ये कंडीशन होती है कि प्री प्लान एक्टिविटीज और नियरेस्ट फ्यूचर के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। और कुछ चीजें मेरे पास, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हियर और देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी हियर और देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं वह भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनते हैं हमेशा, ठीक है। ये कंडीशन होती है, कैसे, मैंने लिखा हियर सी कम्स, देखो हियर सी कम्स वह आती है, ठीक है, देयर ही गो वह जाता है, यानी हियर और देयर से स्टार्ट होने वाले जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे उनमें हम लोग किसका यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे। नोट्स में ये सारी चीजें मैं लिख चुका हूँ, नोट्स आप वहां से कॉपी कर सकते हैं, यहां मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ये चीज है। एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा देयर डिपार्ट द ट्रेन, अब आप बताइए मेरे को यहाँ पे क्या गलती है, देयर डिपार्ट द ट्रेन यानी रेलगाड़ी जाती है, ठीक है, देयर डिपार्ट द ट्रेन। अब आप मेरे को बताइए कि यहाँ एरर क्या है इस वाले सेंटेंस में, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी हियर और देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे और अगर वहां हम किसी सेंटेंस का यूज करेंगे, कोई भी टेंस यूज होगा, तो वो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देयर डिपार्ट द ट्रेन, एक ट्रेन की बात हो रही है, सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है, दैट्स व्हाई हम लोग क्या यूज करेंगे, डिपार्ट्स, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और एस क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। देयर डिपार्ट्स द ट्रेन, रेलगाड़ी जाती है, ठीक है। ये रहेगा हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस का वीडियो का लेक्चर था, ठीक है। इनको हम लोग कैसे यूज करते हैं, अगर ये सारी कंडीशंस आप फेस करते हैं तो आप कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे, ठीक है।